रहमान रहीम। हाँ जी, तो काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पहले मैंने नोट्स भेजे थे पोइम्स के ऊपर, ठीक है ना, वीडियोस थी मेरी, वो थोड़ा कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इस दफ़ा मैंने स्लाइड शो जो है ना इस्तेमाल किए हैं, ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ नज़र आए और बेहतर तरीके से समझ आए। और आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर मैं नोट्स जो है ना सबमिट करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 1947 की जो सबसे पहली पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। फिर उसके कुछ दिनों बाद या सुबह एक दो दिन बाद फिर नेक्स्ट पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे ही जितने भी 9-10 जो पॉलिसीज़ हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हम 1947 की जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसको एक्सप्लेनेशन उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ना पॉलिसी जो है ना उसकी डेफिनेशन समझ लें। अ सेट ऑफ आइडियाज़ मतलब, ठीक है, आप समझदार ही हैं इतना नहीं। इजी वे में मैंने इधर नोट्स लिखे हैं ताकि सबको समझ भी आ जाए और वो इजी से याद भी कर लें, ठीक है ना। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जिधर मतलब थोड़ा मुश्किल होगा तो मैं उधर थोड़ा आपको गाइड कर दूँगा, वरना आप भी खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इसको फिर मूव करता रहूँगा, आप अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ता ही जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके। तो अ सेट ऑफ आइडियाज़ आर प्लान ऑफ व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन दैट हैज़ बीन ऑफिशियली बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल एन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी इज़ नोन एज पॉलिसी। पॉलिसी वो होती है जो मतलब मंसूबा किया जाए, कोई मतलब चंद आदमी इकट्ठा होकर, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, कोई मंसूबा बनाती है, या कोई पार्टी बनाती है, पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातें जो होती हैं कोई मनसूबाबंदी करती हैं, तो उसको पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। हेयर वी डिस्कस आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वैसे तो बहुत सी पॉलिसी होती हैं, खर्चा पॉलिसी और भी बहुत से हैं, दाखला पर पॉलिसी, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एजुकेशन पॉलिसीज है, क्योंकि किसी भी कौम की तरक्की जो है ना वो एजुकेशन के बगैर तो हो ही नहीं सकती। तो हमारे 9 मेरे ख्याल से एजुकेशन पॉलिसी, तो हम देर आर 9 एजुकेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, दीज पॉलिसीज आर गिवन एज, मतलब ये है कि 9 पॉलिसी हैं एजुकेशन की पॉलिसीज, तो स्टेप बाई स्टेप हम शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले जो है वो है 1947 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन एट कराची फ्राम नवंबर 27 to December 1 इन 1947। क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज इट्स कन्वेनर, ही प्रोवाइड द बेसिक गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर एजुकेशनल डेवलपमेंट। क़ायदे आज़म ही उस दौर में थे, मतलब गवर्नर जनरल भी थे, तो फाउंडर भी पाकिस्तान के वही थे, सबको पता है। तो उन्होंने जो है ना गाइडलाइंस दी थी एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक कि फ्यूचर में हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो वो मतलब है कि एजुकेशन पॉलिसी में जो पहली सबसे बनी थी, तो उसमें जो है ना क़ायदे आज़म की नसीहतों को बहुत अहमियत हासिल है। ये जो है ना एजुकेशन पॉलिसी फजलुर रहमान ने पेश की थी, फजलुल हक थी शायद, मुझे याद नहीं है, देखते हैं आगे। अ नंबर ऑफ कमिटीज़ वर आल्सो फॉर्म्ड एट दिस ओकेजन सच एज प्राइमरी एजुकेशन कमेटी, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी, टेक्निकल, ये कमेटीज़ बनाई गई थी, मतलब एजुकेशन के मुख्तलिफ जो शोबे हैं, मतलब स्टेप्स हैं
प्राइमरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी हो गया, फिर टेक्निकल हो गया, साइंटिफिक हो गया, इन सब के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी ताकि वो हर जो कमेटी है ना वो अपने अपनी ब्रांच की जो एजुकेशन है सारी उसको गाइड कर सके, उसकी रहनुमाई कर सके, ठीक है, उसको संभाल सके। तो आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी, मतलब है कि यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जाती है उसके लिए भी बाकायदा कमेटी बनाई गई थी। वुमेन एजुकेशन कमेटी, औरतों की एजुकेशन के बारे में भी एक कमेटी बनाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतें हैं ख्वातीन वो तालीम याफ्ता हो सके। द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कन्फ्रेंस वर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड एजुकेशन शुड बी टीम्ड विद इस्लामिक वैल्यूज। तो वो ये कह रहा है कि मेजर मतलब है बुनियादी बेसिक जो है ना कन्फ्रेंस ये थे कि एजुकेशन जो है ना कंपलसरी हो, ठीक है, दूसरी हो कि फ्री हो पाकिस्तान में, ठीक है, एजुकेशन शुड बी टीम्ड विद इस्लामिक वैल्यूज़, मतलब है कि जो एजुकेशन हो वो इस्लामिक वैल्यूज़ इस्लामिक इकदार के मुताबिक हो, उनसे हम आहंग हों, ये नहीं कि उसे तसादम रखती हों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो बेसिक हैं सबसे कमेटी जो पहले बनाई थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी की, वो मतलब प्राइमरी से एसेंशियल दैट नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री होगी और कंपलसरी होगी। इट प्रपोज सेपरेट प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, प्री प्राइमरी से पहले वाले जो होते हैं ना, जैसे आजकल प्रेप वगैरह है, नर्सरी है, फिर मतलब है कि 1, 2, 3 शुरू करते हैं, प्ले ग्रुप भी है जैसे, तो प्राइमरी से पहले 1 से पहले जो है ना प्ले ग्रुप प्रेप नर्सरी वगैरह ये मतलब प्री प्राइमरी में शुमार होते हैं। उस दौर में नहीं थे, ठीक है, लेकिन मतलब कि उस दौर में भी यही अलिफनार वगैरह जैसे कैदे वगैरह थे, तो मतलब इसी को प्री प्राइमरी कहते हैं। फिर प्राइमरी 1 से शुरू होकर 5 क्लास तक, अब ये जो है ना इधर उन्होंने एज लिमिट लगाई थी कि 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे वो उन्होंने प्री प्राइमरी में, और जो 6 से 11 साल होंगे वाले बच्चे होंगे उम्र के, तो उन्हें प्राइमरी स्कूल में दाखिला जाएगा। आगे चलते हैं, एडल्ट एजुकेशन, ये सबसे बड़ा मसला था कि जो हमारे एडल्ट से जो बड़े थे हजरात थे नौजवान, जिन नौजवानों से भी ऊपर मतलब है पक्की उम्र के, तो वो अनपढ़ थे ज़्यादातर, क्योंकि अंग्रेज़ों के दौर में मुसलमान जो है ना पढ़ाई के मामले में पीछे रह गए थे, वो अंग्रेज़ों से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पूरा इंग्लिश में हो गया था और मुसलमान अंग्रेज़ों से नफरत करने की वजह से उनकी ज़ुबान इंग्लिश सीखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पढ़ाई में बहुत ही पीछे रह गए थे। तो अभी वो पीछे रह गए थे, तो सबसे ज़्यादा तबका जो था हमारा बड़ों का था, अगर वो अनपढ़ था तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं थी, तो इसलिए एडल्ट एजुकेशन कमेटी बनाएगी ताकि बड़ों को भी तालीम याफ्ता नहीं थी तो लेकिन पढ़ने लिखने कुछ काबिल बना दिया जाए ताकि वो भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इधर देख लें, द कमेटी एडल्ट एजुकेशन पॉइंटेड आउट दैट इलिटरेसी वॉज हाई एट, इलिटरेसी मतलब नाख्वानदगी, मतलब पढ़े लिखे 85% एंड एट द एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लिटरेसी 140 ईयर्स वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब वो कह रहे हैं कि 85% जो थे ना नाख्वानदा थे, अनपढ़ थे, ठीक है, तो उनको पढ़ा लिखा बनाने के लिए ना हमें 140 साल शायद लग जाते। इट्स स्टेटेड दैट प्राइमरी एम ऑफ कैंपेन मस्ट बी नॉट मेयरली टू मेक एडल्ट्स लिटरेट बट टू कीप देम लिटरेट। तो हमारी जो स्लाइड शो वीडियो है वो भी ख़त्म होती है, इससे आप इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी नोट्स बनाने में, याद करने में। ओके, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ वीडियो में।